नमस्ते, आज हम लोग को क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट वाटर टैंक कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, अभी हमारा घर पे नहीं तो हमारा जो ऑफिस पे हमारा कोई भी जगह बोलने से उसमें टैंक होता है। वो टैंक का तीन टाइप का टैंक होता है, वो क्या है, यूजी टैंक, ओवरहेड टैंक और नहीं तो फ्लोर माउंटेन टैंक। यूजी मतलब अंडरग्राउंड टैंक है, ओगच मतलब ओवरहेड टैंक है, फ्लोर माउंटेन बोलने से जो हमारा जो फ्लोर लेवल है ना, फ्लोर लेवल का ऊपर में रख देगा, उसी का कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो, मतलब अभी आप टेक्निकल वाला है तो आपको बराबर आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब एक मीटर क्यूब्स इक्वल टू 1000 लीटर बोल के आपको मालूम पड़ जाएगा। आपका टेक्निकल नहीं है तो आपको ये वीडियो बहुत यूज होगा, देख लीजिए। अभी देखो ये टैंक है, ठीक है, अभी ये टैंक आप कंसिडर करो, उसका लेंथ विथ हाइट। मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मीटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें ये 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर विथ है, 10 मीटर हाइट है। ठीक है, पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये कितना वॉल्यूम बोल के। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, LWH। ठीक है, LWH, L का 10 मीटर है, W का 10 मीटर है, H का 10 मीटर है। ठीक है, वो पूरा मल्टीप्लाई करने से 1000 आता है। ये एम इंटू एम इंटू एम, मतलब इसका यूनिट एम है ना, मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब है। अभी हमको क्या मालूम पड़ गया, वॉल्यूम मालूम पड़ गया, फिर मीटर का फिर लीटर का जो क्या रिलेशन है वो तो मैं बोला ना, 1 मीटर क्यूब्स इक्वल टू 1000 लीटर है। अभी हमको कितना है इधर में, 1000 m³ है, 1000 m³ को क्या करना है, लीटर का कन्वर्ट करना चाहिए। फिर क्या करना है, टोटल कैपेसिटी 1000 m³ है, ये एम क्यूब का लीटर को कैलकुलेट करना है तो 1000 में मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा करने से कितना होता है, 0000 आता है ना। अभी क्या है, ये 1000 रख के ये KL में भेजता हूँ, ये तो 1000 मतलब K मतलब किलो, सो कितना होता है, 1000 KL है। अभी 10 मीटर इंटू 10 मीटर के कैपेसिटी का जो होता है उसमें कितना तक हम लोग को स्टोरेज कर सकते हैं, 10000 KL का वाटर उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये तो मैं अभी मीटर में बोला है, अभी फीट में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये देखो वॉल्यूम लेंथ विथ हाइट है। ठीक है, अभी इसका लेंथ का क्या बोलता हूँ मैं, इधर में क्या किया, ये 8 फीट किया, विथ का 6 फीट किया, हाइट का 5 फीट, मतलब ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी इसका तीनों मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 240 फीट क्यूब आता है। इसका रिलेशन क्या है, फीट का फिर लीटर का रिलेशन क्या है, 1 फीट क्यूब इक्वल टू 28.31 लीटर है। ठीक है, वो मान लीजिए आपका ये दो फॉर्मूला चाहिए, मतलब फीट का फिर लीटर का रिलेशन करने के लिए एक फीट क्यूब इक्वल टू 28.31 लीटर से, फिर वो जो मीटर का एंड लीटर का, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर है। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान करके रखो। अभी इसका देखो टैंक कैपेसिटी इक्वल टू 240, जो वॉल्यूम है ना 240 फीट क्यूब है, 240 इंटू जो लीटर का है ना 28.31 है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 67944 लीटर है। अभी ये 1000 3 डिजिट आएगा तो आपको KL मिल जाता है ना, सो 67.944 KL है। अभी क्या है, 5 फीट 8 फीट 6 फीट का जो टैंक होता है उसी का कैपेसिटी कितना होता है, 67.94 अप्रॉक्सीमेटली 68 KL इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी टैंक का कैपेसिटी ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आपका फीट में होगा तो फीट में करो, बड़ा मीटर में चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट करो। आपको ये वीडियो लाइक होगा, मतलब पसंद होगा तो लाइक करो, पसंद नहीं है तो अनलाइक करो। ये आपका दोस्त लोग को यूज़ होगा बोलने से, आपको शेयर करो और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।